इसके अंदर किसान भाई स्टेनलेस स्टील के ब्लेड और हैवी ड्यूटी मल्टी स्पीड गेयरबॉक्स और डबल डिस्क आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और स्टेनलेस स्टील के डिस्क एंड टाइन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। स्टेनलेस स्टील के डिस्क और टाइन देख सकते हैं आप। अगर इसको सुपर सीट को रोटावेटर बनाना हो तो एक दो और तीन तीन बोल्ट खोलने पड़ेंगे और ये आपका रोटावेटर तैयार है डबल डिस्क के साथ। जय किसान भाई, सभी किसान साथियों को स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो किसान भाई, आज हम आपको दिखाने वाले हैं महिंद्रा कंपनी का जो धरती मित्रा के नाम से जो सुपर सीडर आता है उसका आज फुल रिव्यू आपको दिखाएंगे। तो किसान भाई, अगर शुरुआत से इसके ब्लेड की अगर किसान भाई बात करें तो इसके अंदर किसान भाई LFT टाइप के स्टेनलेस स्टील के इसके अंदर आपको ब्लेड आपको देखने को मिलेंगे। और किसान भाई, अगर इसके हिच की बात करें, इसके हिच के अंदर भी आपको किसान भाई डबल होल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी किसान भाइयों ट्रैक्टर की लिमिट के अनुसार काफ़ी शानदार ये दिया गया है। किसान भाइयों, अगर किसान भाई इसके गेयर बॉक्स की बात करें तो ये भी किसान भाइयों हैवी मल्टी स्पीड गेयर बॉक्स आपको इस सुपर सीडर के अंदर देखने को मिलेगा। अगर किसान भाइयों इसके अंदर ऑयल कैपेसिटी की बात करें तो ऑयल किसान भाइयों इसके अंदर 5 लीटर ऑयल इस गेयर बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों इसके अंदर ये गेज इसके अंदर ये लगा हुआ है ऑयल चेक करने के लिए। और ये किसान भाई इसकी अगर गेयर बॉक्स गर्म हो जाता है तो उसकी गैस निकलने के लिए ये आपको दिया गया है। तो देखिए भाई किसान भाइयों, अगर डिस्क की बात करें तो किसान भाई इसके अंदर डबल डिस्क आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हो किसान भाई, एक इधर साइड डिस्क लगी हुई है और एक इधर साइड भी, दोनों तरफ आपको डिस्क देखने को मिलेगी। अगर किसान भाई इसके गियर बॉक्स की बात करें, अगर साइड के गियर बॉक्स की बात करें, गियर बॉक्स जिसके अंदर ऑयल की बात करें तो इसके अंदर किसान भाई आपको 3 लीटर ऑयल कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी साइड की अगर किसान भाइयों बात करें तो इसके अंदर भी आपको 3 लीटर का देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों इसके ब्लेड की अगर बात करें और टाइन की बात करें तो देख सकते हो किसान भाइयों इसके ऊपर बेजिंग भी लगी हुई है स्टेनलेस स्टील की, डिस्क व टाइन दोनों किसान भाइयों स्टेनलेस स्टील की इसके अंदर लगी हुई है। तो देख सकते हो किसान भाइयों, देखिए भी किसान भाई ये भी काफ़ी शानदार डिस्क इसके अंदर लगी गई है। तो ये किसान भाई 7 फीट का सुपर सीडर है, इसके अंदर आपको 11 टाइन आपको देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी शानदार दी गई है। अगर किसान भाई रूलर की बात करें, मिट्टी के जमाव वाले रूलर की बात करें तो वो भी इसके अंदर किसान भाई दो दिए गए हैं। एक ये किसान भाई आप देख सकते हो, एक यहाँ पर रूलर दिया गया है और दूसरा रूलर ये यहाँ पर पीछे की साइड आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे वाले रूलर के ऊपर भी किसान भाई आपको कवर किया हुआ है, ये चीज़ कवर की हुई है रूलर को। अगर कोई भी किसान भाई पीछे से इसके अंदर खाद बीज अगर देखना चाहे तो किसान भाई का पैर इसके अंदर ना आए इसके लिए ये दी गई। ये किसान भाई इसके अंदर खाद बीज डालने के लिए ये स्टैंड आपको दिया गया जिसके ऊपर चढ़कर आप आराम से इसके अंदर खाद बीज डाल सकते हैं। तो ये किसान भाई केज वेल इसके अंदर दिए गए, देखते हैं किसान भाइयों इसके अंदर ये कट काफ़ी शानदार कट है इसके अंदर दिए गए हैं जिसके अंदर किसान भाइयों मिट्टी बिल्कुल भी फंसने का कोई चांस इसके अंदर नहीं है। तो ये किसान भाइयों इसके अंदर ये लॉक लगा हुआ है, देखिए भी ये है किसान भाइयों इसकी लॉक। अगर किसान भाई इसको आप नीचे भी उतारना चाहोगे खेत के अंदर ये इसको आप यहाँ से पकड़ कर नीचे आराम से आप उतार सकते हो, देख सकते हो किसान भाइयों। देखिए ये किसान भाई इसके अंदर काफ़ी हैवी मजबूत चेन टाइप लगा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर भी किसान भाइयों आपको चेन देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं। ये किसान भाइयों अगर आप चेन इसकी टाइट और लूज भी करना चाहे तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो ये किसान भाइयों जब अपने यूज़ में करेंगे तब इसको व्हील को आप नीचे उतार सकते हैं और बाकी अगर खेत से अगर बाहर जाते हैं तो इसको आराम से ऊपर उठा के आराम से ले जा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों इसकी ये किसान भाइयों ये पिस्टल है वो भी किसान भाइयों
हैवी स्टील के इसके अंदर लगी हुई है, सारे काफ़ी शानदार इसके अंदर पिस्टल लगे हुए हैं जो कि स्टील के लगे हुए हैं। इससे किसान भाइयों जंग लगने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और ये किसान भाइयों इसका मीटर लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो मीटर वगैरह, कि आप किस हिसाब से इसके अंदर आप सेट कर सकते हो, कि कितने आपके खुद के हिसाब से जितना मर्जी आप जितना बीज डालना उतना आप इसमें सेट कर सकते हो। देखिए भाई किसान भाई, ये इसको सेट करने के लिए लगा हुआ है, देख सकते हो कि अगर इसको यहाँ से आराम से घुमाते हैं तो वो देख सकते हो किसान भाइयों, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। बीज के की सेटिंग इससे आप आराम से की जा सकती है। और ये किसान भाइयों इसके ऊपर लगा हुआ है लॉक, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर ये आराम से लॉक लग जाता है। इसके अंदर भी किसान भाइयों दो बॉक्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप एक के अंदर बीज और दूसरे के अंदर खाद आराम से डाल सकते हैं। ये बीज का भी एडजस्टेबल है, वो भी किसान भाइयों इसके अंदर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए किसान भाइयों, इसको बॉक्स को आपको खोल के दिखाते हैं किसान भाइयों, ये इसके लॉक लगे हुए हैं। ये देखिए किसान भाइयों, इसका बॉक्स है जो, ये इसका ढक्कन है, वो भी किसान भाइयों आराम से टिक जाता है। और ये इसके अंदर किसान भाइयों ये दो एक्स्ट्रा इसलिए की गई है साइड से, कि अगर आप बाहर का खेत के अंदर की चारों तरफ वाला अगर राउंड लगाना चाहो तो इसके अंदर बीज डाल के बाहर की तरफ आप इससे आराम से ये बीज डाल सकते हो। ये बाहर वाला गेड़ा वायर वाला राउंड लगने के बाद आप इसको बंद कर सकते हो, इसके अंदर अब बीज भी डालना नहीं पड़ेगा किसान भाइयों। ये इसके अंदर किसान भाइयों दोनों तरफ ये लगे हुए हैं होल, देख सकते हो। अगर किसान भाइयों इसका बीज बिजाई करने के बाद बीज बीज है जो बच जाता है वो आराम से यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो देखिए भी किसान भाइयों, ये किसान भाइयों इसके अंदर भी शिपरिंग की एडजस्टमेंट दी गई है, जिसे किसान भाइयों आपकी खेत के हिसाब से मिट्टी के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी किसान भाइयों दो सुराख दिए गए हैं, ये खुद अपने हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। और काफ़ी शानदार इसके अंदर बैरिंग है, वो भी किसान भाइयों काफ़ी शानदार इसके अंदर दिया गया है। अगर इस टाइम की बात करें तो किसान भाइयों एडजस्टेबल है, वो भी काफ़ी शानदार है इसकी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट इस टाइम को कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बिजाई काफ़ी दूरी से लग रही है तो आप इसको पास में भी कर सकते हो। अगर किसान भाइयों ये 7 फीट का सुपर सीडर, अगर किसान भाइयों आपको 8 फीट का सुपर सीडर लेना हो तो उसके अंदर ये किसान भाइयों 8 टाइन इसके अंदर देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको इन महिंद्रा कंपनी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो कैसी लगी भाई किसान भाइयों वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब किसान भाइयों ज़रूर करें। धन्यवाद भी सभी किसान साथियों।